हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून. जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो, वो हमारा विश आप लोग ले लीजिए. सो दोस्तों, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, सिग्मा ट्रोपिगरी अरेंजमेंट की, स्टीरियो केमिस्ट्री की हम लोगों ने बात की थी. और जाने के टाइम पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस आपको घर पे करने के लिए दिए थे. आई होप आप सब लोगों ने वो क्वेश्चन कर लिए होंगे. और भाई, जो स्टूडेंट लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा, प्लीज़ पहले जाके आप लोग वो लेक्चर देखिए, क्योंकि उस लेक्चर को देखने के बाद में आगे वाला लेक्चर आपको समझ में आने वाला है. तो अब देखो दोस्तों, क्या होता है कि 3-3 सिग्मा ट्रोपिगरी अरेंजमेंट की जब स्टीरियो केमिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या बोला था, यहाँ पर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और किस तरीके से हम लोगों ने उसकी चेयर कन्फॉर्मेशन बनाते हुए, उसकी चेयर फॉर्म बनाते हुए प्रोडक्ट का पहचान किया था, किस तरीके से प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आता है. तो इसी के मद्देनजर रखते हुए हम हमारे कल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. कुछ स्टूडेंट ने इन क्वेश्चन को सोल्व भी किया है, मतलब कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, कुछ बच्चों ने मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया कि सर हम लोगों ने कर लिए. लेकिन बच्चों को दिक्कत क्या आ रही थी, बच्चों को ये समस्या आ रही थी कि बच्चों ने पहला और दूसरा क्वेश्चन तो इजीली कर लिया, लेकिन तीसरे और चौथे क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि सर ये क्वेश्चन तो हमसे हिल ही ना रहे, तो इनको प्लीज़ आप बताने की कोशिश करें. तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं, हमारे एक एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले दोस्तों, मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ, सही है. चलो देखो, सबसे पहले हम लोग पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं. तो इस पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले तो मुझे एक बात बता दीजिए, मैं इसकी चेयर कन्फर्मेशन बना लेता हूं, सही है. मैं इसकी चेयर कन्फर्मेशन बना लेता हूं. आप लोगों को पता है ये किस तरीके से चेयर कन्फर्मेशन बनेगी, यही तो बनेगी बेटा जी, कुछ इस तरीके से चेयर कन्फर्मेशन बनेगी. ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, ओके. ये डबल बॉन्ड इधर है और ये डबल बॉन्ड इधर है फिलहाल, तो करेक्ट. अब जरा देख के बताना मेरे को, ये 1-2-6 पोजीशन पर लगा हुआ है. और मैंने आपको क्या कहा था, अगर 1-2-6 कोई स्टीरियो होती है, वो होता है एक्सियल और इक्विटोरियल. तो माना मैंने इसको पीएच को लगा दिया एक्सियल के ऊपर और इस एमी को लगा दिया मैंने इक्विटोरियल के ऊपर, सही है. और अभी हमको ये नहीं पता ये एमी कहां पर लगा हुआ है, सॉरी, देखो डबल बॉन्ड इधर है. अब हमको ये पता करना है कि सर इस एमी को कहां पे लगाना है. तो जरा देख के मुझे बता दीजिए, इस वाले डबल बॉन्ड की क्या स्टीरियो है. तो आप लोग क्या बोलोगे कि देखो सर यहां जेड सा बनता हुआ नजर आ रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है. तो आप लोग क्या कहोगे, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री ई है. तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री ई बनाने के लिए आपको ये एमी ग्रुप को इधर लगाना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं सही बात. क्योंकि अगर ये एमी ग्रुप इधर लगेगा तो इसकी स्टीरियो जेड बन जाएगी, क्योंकि अपने को इसके अकॉर्डिंग स्टीरियो केमिस्ट्री बनानी है. अगर हम लोग इस वाले डबल बॉन्ड की स्टीरियो की बात करते हैं, तो मेरे बच्चों मुझे बता दीजिए इस वाले डबल बॉन्ड की स्टीरियो भी क्या है. देखो ये एक हाइड्रोजन इधर है और ये एक हाइड्रोजन, दोनों अपोजिट हो गए, इसकी स्टीरियो भी क्या है, ई है. तो इसकी स्टीरियो ई बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एमी को इधर लगाना पड़ेगा. तो मैंने क्या बना दिया, इसका चेयर कन्फर्मेशन बना दिया. तो प्लीज आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आ गई क्या, अब तो कुछ करना है नहीं. अब क्या करना है, आप सभी लोग जानते हो, क्या जानते हो कि आपको यह पता है कि सर जब हम लोग चेयर कन्फर्मेशन की बात करते हैं, जब हम लोग सिग्मा ट्रोपिक 3-3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट की बात करते हैं, तो इसके अंदर नंबर 3 और नंबर 4 के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और नंबर 1 और नंबर 6 के बीच बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. तो अगर मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करवा दूं, तो मुझे बता दीजिए ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, तो नंबर 1 और नंबर 6 के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये वाला बॉन्ड चला जाएगा इधर. हां ना बोलो बेटा जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई. और जैसे ही आप लोगों ने इसको पाई बॉन्ड्स को घुमा दिया, तो एक साइक्लिक टीएस बनती है, सही है. अब साइक्लिक टीएस दोस्तों मैं नहीं बना रहा हूं, आप लोग बनाना जानते हो, तो मैं यहां से डायरेक्टली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता हूं. तो आप लोग क्या लिखोगे यहां पर, कि यहां पर क्या हुआ है, 3-3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट हुआ है, 3-3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट हुआ है, सही बात है. अब मुझे एक बात बता दो ना यार, यहां पर क्या बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा बेटा जी, जरा देख के बताओ. तो यहां पे जो ए पीएच लगा हुआ है, यहां पे जो पीएच लगा हुआ है, देखो ये रहा पीएच, यहां पे जो सॉरी पीएच है कि एम ए, सॉरी यहां पे देखो पीएच लगा हुआ है, और यहां पे जो पीएच लगा हुआ है वो ये रहा, सही है. और यहां पे जब डबल बॉन्ड आएगा, देखो ये रहा डबल बॉन्ड, और यहां पे एक डबल बॉन्ड ये रहा, करेक्ट. क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो टूट गया और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया 1 और 6 के बीच में, जो कि ये दिखाई दे रहा है. और ये इक्विटोरियल पर है इधर एमी,
और ये भी कहां पर है, इक्विटोरियल पर। हाँ ना, बोलो बेटा जी, ये अपने प्रोडक्ट की कंफर्मेशन हो चुका है, प्रोडक्ट हमारा बन चुका है। तो जरा मुझे ध्यान से देखकर बताना कि इसको अगर मैं इस वाले फॉर्म में लिखूं तो कैसे क्या बनता हुआ नजर आएगा, जरा आप लोग देख के बता दीजिए। देखो ये डबल बॉन्ड दोनों मैंने यहां पर बना दिए, और आप लोगों को पता है कि 1:2 एक इक्विटोरियल, इक्विटोरियल क्या स्थिर रखता है, आप लोग बोलोगे सर ट्रांस रखता है, जैसे कि आपने कल बता दिया था हमें। मैंने कहा सही बात है भाई, आपकी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब मुझे इसकी स्टीरियो चेक करनी है, तो क्या पता लगा, इसकी स्टीरियो जेड है और इसकी स्टीरियो ई है। तो इसकी जेड बनाने के लिए आप पीएच को अंदर की तरफ डाल दो, और इसकी जेड ई बनाने के लिए आप पीएच को इधर डाल दो। हाँ ना, बोलो बेटा जी, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? तो ये फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। चेक कर लेना भाई आप लोगों ने क्या आंसर किया है, जिनका आंसर सही है वो बिल्कुल करेक्ट किए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। अब देखो बेटा जी, इसका मैं सॉल्यूशन करता हूं, तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो सिंपली क्या हो रहा है, ये बॉन्ड का रोटेशन हो रहा है, ये इधर, ये इधर और ये इधर। इस डबल बॉन्ड से अपने को कुछ मतलब नहीं है, बेचारा पड़ा रहेगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ये लो। हाँ ना, बोलो बेटा जी, वही कहानी, 3:3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अब प्रॉब्लम वाली क्या बात होती है कि दोस्तों, जो स्टूडेंट थे वो इस वाले एग्जांपल में आके थोड़ा रुक गए कि सर इस एग्जांपल को सॉल्व कैसे करें। दोस्तों छोटा सा दिमाग आपको लगाना था, और इतना दिमाग आप में है मैं इतनी आशा कर सकता हूं। दोस्तों दिमाग क्या लगाना है कि सबसे पहले अपने को ये चेक करना है कि सर जो आपका एग्जाम्पल गिवन है ये 1,5-diene है या नहीं है। अगर 1,5-diene होगा तब ही 3:3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगी, अन्यथा नहीं होगी। कोप्री अरेंजमेंट का एग्जाम्पल होता है जो कि 1,5-diene के द्वारा दिया जाता है। मैंने आपको सेकंड लेक्चर में ये सारी बातें बता दी थी, सही है। चलो अब देखो, नंबरिंग चालू करता हूं यहां से, या तो यहां से कर लो या फिर यहां से कर लो। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ओहो हो, क्या नजर आ गया हम लोगों को, सर ये तो क्या है हमारा 1,5-diene है। इट मीन्स यहां पर क्या हो जाएगी, कोप्री अरेंजमेंट हो जाएगा, कोप्रिएक्शन हो जाएगी। तो कोप्रिएक्शन करवा दो, कहां दिक्कत आ रही है। देखो बेटा जी एकदम सिंपल है, आप लोग क्या बोलते हो कि नंबर 3 और नंबर 4 के बीच बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये वाला बॉन्ड होगा इधर शिफ्ट। हाँ ना, बोलो बेटा जी, नंबर 6 और नंबर 1 के बीच बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ये वाला बॉन्ड होगा इधर शिफ्ट, और इसके बीच बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड चला जाएगा इधर, कंप्लीट। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, जरा बना दीजिए, कुछ इस तरीके से बनेगा मेरे दोस्तों, कुछ इस तरीके से ही तो बनेगा प्रोडक्ट हमारा। देखो इधर ये वाला बॉन्ड तो टूट गया ना यार, और यहां से देखो ये एक बॉन्ड इधर लगा हुआ है, इसके बीच में ये बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है इससे, और ये देखो बेटा जी ये इधर लगा हुआ है, और ये यहां पे इसने क्या बना दिया, ये 5-member की रिंग ऑलरेडी बनी हुई है, देखो बेटा जी, और यहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। जरा मुझे चेक करके बता दीजिए यही बनेगा क्या। अरे चेक कर लो, अगर प्रोडक्ट भी आपका 1,5-diene बन जाता है, इट मींस आपने जो किया है बिल्कुल करेक्ट है। चेक करो ना यार, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, इट मीन्स आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है। अरे भाई ये तीन, ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड था ये पाई फ्रेमवर्क के ऊपर शिफ्ट कर गया, देखो ये सिग्मा बॉन्ड तो इधर आ गया और पाई बॉन्ड चले गए ऊपर की तरफ। हाँ ना, बोलो बेटा जी, तो फाइनल प्रोडक्ट इसका ये बनेगा। बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा सा सोचना था, चेक ये करना था कि भाई ये हमारा 1,5-diene है या फिर नहीं है। अगर 1,5-diene है इट मींस यहां पे कोप्री अरेंजमेंट होने वाला है, एनी हाउ कोप्री अरेंजमेंट आप लोगों को करवाना है। तो क्या ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आ गया क्या। चलो मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं, एकदम सिंपल एग्जांपल है बेटा जी, इंपॉर्टेंट एग्जांपल एंड द वेरी सिंपल एग्जांपल। कैसे, वही चेक करो सबसे पहले। देखो किसी भी एग्जांपल को चेक करने से पहले, कोप्री अरेंजमेंट को चेक करने से पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि कोप्री अरेंजमेंट की कंडीशन क्या होती है। तो आप लोगों ने सबसे पहली जो कंडीशन लिखी थी वो यह कंडीशन लिखी थी कि कोप्री अरेंजमेंट जो होता है 1,5-diene के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। तो जरा देख के बता दो ना यार, 1, 2, 3, 4,
फाइव एंड सिक्स एकदम सिंपल एग्जाम्पल है, वही क्या करना है हम लोगों को, नंबर तीन और नंबर चार के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। अगर एक बार आप नंबरिंग भी दे देते ना तो आपको यह पता लग जाता कि यह एग्जाम्पल किसका होने वाला है, बॉन्ड कौन सा तोड़ना है, बॉन्ड कहां पर बनाना है, किस तरीके से बनाना है, ये सारी बातें हम लोगों ने लेक्चर नंबर टू में आप लोगों से डिस्कस कर ली थी। तो यहां पर क्या होगा मेरे दोस्तों कि जो नंबर तीन और नंबर चार के बीच वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट गया। नंबर छह और नंबर एक के बीच बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड इधर आ गया और ये बॉन्ड चला गया इधर। हाँ ना बोलो बेटा जी, फिनिश। फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा इसको मैं बना देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग। देखो हर एक एग्जाम्पल को फील करने में जो मजा है ना भाई, वो मजा किसी चीज में नहीं है। आप एग्जाम्पल को फील करो, मान के चलिए सब कुछ आसान है, अकॉर्डिंग टू मी सब कुछ आसान है। जैसा दिख रहा है वैसे वैसे आप लोग बनाते चलो, जैसा दिख रहा है वैसे वैसे आप लोग बनाते चलो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। देखो चेक करो, नंबर एक कार्बन, नंबर दो कार्बन, नंबर तीन कार्बन, नंबर चार कार्बन, नंबर पाँच कार्बन, नंबर छः कार्बन, एक डबल बॉन्ड तो इधर आ गया, सही बात है, और देखो एक डबल बॉन्ड इधर आ गया। चेक कर लो कितने कार्बन है यार, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, करेक्ट। अब इसको मुझे रीअरेंज करके लिखना है, तो रीअरेंज करके कैसे लिखेंगे हम लोग, सात मेंबर की रिंग बन गई तो यहां से क्या बना देंगे बेटा जी, हम लोग सात मेंबर की रिंग बना देंगे और फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। एक डबल बॉन्ड तो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और एक डबल बॉन्ड किधर आ जाएगा, चेक करो एक बार, कुछ गलती तो नहीं कर दी, एक डबल बॉन्ड तो यहां आ जाएगा और एक डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पर, यहां पर किधर आएगा, छ और एक के बीच में, देखो पांच और छ, ये मेरा पांच और ये छ और ये एक, इधर आ जाएगा बेटा जी, सही है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। एक बार मैं चेक कर लूँ क्या क्या बन रहा है, एक बार चेक करो ना यार, चेक करो ना क्या बनेगा, ये नहीं बनेगा भाई, बिल्कुल नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। देखो इधर चेक करो भाई, इसको चेक करते हैं, इसको रीअरेंज करके लिख लो ना एक बार, 1 2 3 4, नहीं भाई ये मैंने गलत बना दिया, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, एक सेकंड रुक जाओ ना भाई, इसको चेक करते हैं हम लोग ना। देखो सेम कहानी, देखो यही बनेगा प्रोडक्ट, एकदम सही है, बस खाली अपने को इसको रीअरेंज करके लिखना है। देखो ये वाला बॉन्ड इधर चला गया, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, तो नंबर छः और नंबर एक के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना है। देखो छः नंबर तो ये रहा और एक नंबर ये रहा, इसके बीच सिग्मा बॉन्ड बन गया और दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर और छः नंबर, नहीं 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 नहीं, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। देखो बेटा जी एक बार देख लो ना यार, देखो ये डबल बॉन्ड इधर, इसके बीच बॉन्ड बन गया, देखो ये रहा बॉन्ड, ये बन गया, फिर एक सिंगल बॉन्ड आएगा, ये रहा सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड आएगा, ये रहा डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर अगेन सिंगल बॉन्ड, फिर बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है आप लोगों का, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। एक दो सिग्मा छोड़ दो, एक दो सिग्मा छोड़ दो, एक डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, 1 2 3 4 5, एकदम करेक्ट आंसर है ये वाला, एकदम सही बात है, बस खाली रीअरेंज करने में अपने को दिक्कत परेशानी हो गई थी। तो जो कल एग्जाम्पल हम लोगों ने किए थे उनका सोल्यूशन ये है, तो आप लोग प्लीज चेक कर लीजिए कि आपने जो किया है वो सही किया है या फिर गलत किया है, एक बार चेक कर लीजिए जो आपने किया है वो सही किया है या फिर गलत किया है, आराम से एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक आप सब लोगों ने सही किया होगा, आई थिंक आप लोगों ने सही किया होगा, देख लो ना यार एक बार फटाफट देख लो, यही एग्जांपल इनका सॉल्यूशन ये है, सही है। तो देखो आपने जो ये एग्जांपल्स किए हैं, आपने जो ये एग्जांपल्स किए हैं, इन एग्जांपल्स में जो आपने थोड़ी मिसप्रिंट जो थोड़ी जो मिस्टेक जो की थी, आई थिंक वो आपको पता लग चुकी है क्या आप लोगों ने मिस्टेक की थी। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इस लेक्चर को तो यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग शूट करते हैं, ताकि हमें क्या पता लगे, ताकि हमें क्या पता लगे, ताकि हमें ये पता लगे
कि हमारा जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो यहीं से कंप्लीट हो जाए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने ये तीन एग्जांपल को सोल्व कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसी लेक्चर को यहीं पर स्किप करते हैं और नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं, और ये कोशिश करेंगे कि ये लेक्चर और आने वाला लेक्चर आज ही हम लोग अपलोड कर दें। सही, सो प्लीज़ आप लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहिए। थैंक यू सो मच।